अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। तो ईद का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो होती हैं सेवैयाँ, उसके बाद तरह तरह के खाने, टेस्टी टेस्टी खाना और मेहंदी, मेहंदी के साथ साथ ढेर सारी मस्ती, गपशप एंड एवरीथिंग। यू गेट टाइम टू मीट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बट इस बार की ईद बहुत ही अलग टाइप की थी। हम सब घर पे ही थे, बट हम लोगों ने घर पे ही फैमिली के साथ इंजॉय किया और ढेर सारी मस्ती की। तो ये मेरे लग रही है मेहंदी चांद रात में, तो ये मैं खुद से लगा रही हूँ मेहंदी। तो मैं उल्टे हाथ में तो खुद से लगा लेती हूँ क्योंकि सीधा हाथ चलता है मेरा, बट सीधे हाथ में मेहंदी उल्टे हाथ से लगानी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो उल्टे हाथ में तो मैंने लगा ली खुद से और बहुत अच्छी नहीं लगा लेती हूँ, बस हाँ काम चलाऊँ ठीक ठाक लगा लेती हूँ। हॉस्टल टाइम पे काफ़ी प्रैक्टिस हुई है मेरी फ्रेंड्स के हाथों पे। हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ बहुत ख़राब किए हैं मेहंदी से, उल्टा पुल्टा जैसा तैसा डिज़ाइन लगा लगा के। उसी टाइम से थोड़ी बहुत लगानी आ गई थी, एटलीस्ट फ़ोन चलाना आ गया था ये कह सकते हैं। डिज़ाइन तो अब भी नहीं समझ में आता कि क्या लगाएं, मेरे मेहंदी का डिज़ाइन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी अनाड़ी टाइप की है मेहंदी लगा रहे हुए, बट काम चल जाता है ऐसे डिज़ाइन में भी, बुरा नहीं लगता है कलर आने के बाद। बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को ये डिज़ाइन। और मेरी फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, दे मस्ट बी एबल टू रिलेट एवरीथिंग एंड दे मस्ट बी एबल टू रिकॉल द टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन द हॉस्टल एंड अप्लाई मेहंदी इन आर हैंड्स एंड ख़राब करते थे बहुत अपने हाथों को। तो ये लग गई मेरे आगे और पीछे में मेहंदी उल्टे हाथ में, और ये रहा मेरा राइट हैंड, इस पे लगा रहे हैं मेहंदी मेरे हस्बैंड। तो हमजा ने कहा चलो ठीक है मैं लगा दूंगा तुम्हारे एक हाथ में मेहंदी, तो मैं भी खुश हो गई, चलो अच्छी बात है मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाएगी। तो ये लग रहा है मेरे डिज़ाइन, बहुत ही स्पेशल टाइप का डिज़ाइन लग रहा है, बीच में बना हुआ है इन सीक्वेंस स्पाइडर वेंट अप द वाटर स्पाउट। आप लोग ट्राई करिएगा ये डिज़ाइन अगर अच्छा लगा तो, बट वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी और ये डिज़ाइन भी उतना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, हस्बैंड लगा रहे हैं भाई अच्छा लगेगा, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगा रहे हैं। वॉज सो एनग्रॉस्ड इन पुटिंग एना इन माई हैंड दैट ही डिडंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड हिम, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ। तो साइंटिस्ट लोग जो भी करते हैं कंसंट्रेशन के साथ ही करते हैं, पता चल गया, समझ में आ गया। तो और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिमेट्री मेंटेन रहे, इधर उधर से हर तरफ से एक जैसा लगे, सिमेट्रिकल रहे डिज़ाइन। ये मेहंदी लग रही है मेरे, थैंकफुली मेरा सारा काम हो गया। अच्छा हाँ ये मैं बोलना चाहती थी कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको काम का इतना टेंशन रहता है तो मेहंदी वेहंदी लगाने का उतना टाइम नहीं मिलता है, बट हाँ ईद पे क्या करते हैं हम लोग, सारा काम निपटा के सारे कामों से फारिग होके फिर बैठते हैं मेहंदी लगाने के बीच में, कोई और डिस्टर्बेंस ना हो हमारी मेहंदी और हमारे बीच में। तो मैं भी सारा काम कर चुकी थी, सारी प्रिपरेशन ईद की कर चुकी थी, उसके बाद ही मैंने मेहंदी लगाने के लिए बैठी हूँ। और अब मेरे लगने जा रही है बैक साइड में, हाथ के बैक साइड में, वो सेम डिज़ाइन हमजा बैक साइड में भी लगा रहे हैं। एक इंसी विंसी स्पाइडर है, उसके 5 लेग्स हैं, अरे ओ हाँ एक और लेग है, लेकिन सारे लेग्स का कर्व एक तरफ है बट एक लेग का कर्व दूसरे साइड है। तो सिमेट्री अगर मेंटेन करते हैं तो उसका भी उसी साइड होना चाहिए, तो ये ठीक कर रहे हैं वो, उसका लेग का कर्व भी सेम साइड में ही होगा, ये कर दिया। देखा आपने कितना परफेक्शन के साथ लग रही है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है बताइएगा प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ये वीडियो
वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस कुछ कुछ मस्ती लेकर आती रहूँगी बीच बीच में, और बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ने कैसी ईद करी इस लॉकडाउन में ड्यूरिंग दिस कोविड। तो लेट्स ऑल ट्राई टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स। ये देखिए लग गई मेरे मेहंदी, कैसी लगी? Thank you guys for watching my video. Enjoy Eid and stay safe.